फ्रेंड्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। जितने भी यहाँ पर पीटीटी के स्टूडेंट हैं, अब आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट भी आ रहे हैं और अभी मैंने कुछ ही देर पहले जो विभाग है, विभाग पे मैंने कॉल भी किया था। वो जो कॉल नंबर है वो आपको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप भी बार बार कॉल करते रहना। देखो, मैं अभी थोड़ी देर पहले वहां पर कॉल किया था, लेकिन उनका जो फोन है वो स्विच ऑफ बता रहा है। अब क्या पता होलीडे वगैरह की, मतलब जो कल निर्जला एकादशी थी, साथ में जो तेजादशमी थी, इसकी वजह से शायद हो सकता है कि आज का भी आपका अवकाश हो, इस वजह से वहां पर कॉल वगैरह आपका, मतलब कि एक तरीके से उनका जो फोन है वो एक तरीके से स्विच ऑफ है। फिलहाल अभी के टाइम में स्विच ऑफ है और जो मतलब कि सुबह 10 बजे से लेकर आप शाम के 5 बजे तक ट्राई कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए ट्राई किया है, लेकिन कॉल वहां पर लगा नहीं। ठीक है, अब लगातार आप सभी छात्रों के कमेंट भी आ रहे हैं और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उस वीडियो में मैंने आप सभी छात्रों को जोर देके एक बात बोली थी कि जब कुलपति को ज्ञापन देने गए थे, जहां पर आठ सूत्री मांगे रखी गई थी, ज्ञापन भी वहां पर दिया गया था, साथ में पीटीटी का ऑफिशियल जो ज्ञापन रहता है पर्सनल एक सब्जेक्ट के ऊपर वो भी वहां पर दिया गया था, तो वहां पर कुलपति का एक बयान आया था। बयान में उन्होंने बोला था कि अक्टूबर महीने में जाकर इसका सोल्यूशन हो सकता है। आप चाहो तो एक पेपर में भी क्लियरली देख सकते हो, लेकिन फिर भी आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं। देखो, मैं आप सभी छात्रों को कभी भी गुमराह नहीं करता। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक बात बोली थी आप सभी छात्रों को और अभी भी मैं बोल रहा हूं कि जब तक आपका अपवार्ड स्टार्ट नहीं हो पाएगा या जब तक आपके लिए जो फाइनल जो आउटपुट है या फाइनल जो एक तरीके से बयान है कुलपति का, वो इसके ऊपर नहीं आ जाएगा कि जो अपवार्ड है वो करवाना है या नहीं है, तब तक आप सभी छात्रों के लिए प्रयास करता रहूंगा। लगातार मैं जो अध्यक्ष है उनके संपर्क में भी बना हुआ हूँ। साथ ही में जो कुलपति है, कुलपति के तो नंबर मेरे को नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन जो वहां के विभाग है, विभाग में जो भी टीचर वगैरह है उनसे मैं बात करता रहता हूँ। ठीक है, अभी 2-3 दिन से लगातार एक तरीके से अवकाश चल रहा था, इस वजह से वहां पर कॉल वगैरह अटेंड नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी जितने भी स्टूडेंट है, देखो मैंने आपको बोला था अगर आपका जो अपवार्ड स्टार्ट होगा वो अक्टूबर के महीने में होगा, क्योंकि इस महीने का तो वहां पर कुलपति ने एक तरीके से बोला भी नहीं है। ठीक है, बाकी जितने भी स्टूडेंट है, देखो लगातार आप सभी छात्रों को मैं बोलते भी आ रहा हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लेना, क्योंकि सबसे पहले अपडेट मैं टेलीग्राम पर ही डालता हूं। और देखो, टेलीग्राम पर अपडेट रहने का यही मकसद है कि जो भी अपडेट रहती है सबसे पहले मैं वहीं पर आप सभी छात्रों के लिए प्रोवाइड करवा देता हूं। अब देखो, जो आपका अपवार्ड है, अगर आपका अपवार्ड स्टार्ट होगा तो वो, अब देखो पूरे चांसेस है कि आपको अपवार्ड स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म यहां पर नहीं बोलूंगा। जब तक फाइनल आउटपुट नहीं आ जाता कुलपति की तरफ से, उनका बयान नहीं आ जाता, तब तक मैं नहीं मानता कि यहां पर आपके अपवार्ड है वो स्टार्ट होंगे, क्योंकि देखो इसमें एक तरीके से मानना भी अपने लिए गलती साबित हो सकता है, तो अपन ऐसा नहीं मानेंगे। मैं खुद भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने देखा है विभाग की लापरवाही की वजह से अपन को काफी कुछ, यानी कि आप सभी छात्रों को काफी कुछ सहना पड़ा, तो ऐसी गलती अपन दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, अब कुछ छात्र लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर अपवार्ड स्टार्ट करवाओ, कॉलेज वाले हमारे ऊपर लगातार प्रेशर बना रहे हैं कि कॉलेज में आओ, अपना किट लो, साथ में जो भी फीस है वो सबमिट करवाओ। कुछ कॉलेज में डोनेशन वगैरह नहीं चल रहा है, कुछ भी चल रहा है तो वहां पर मैंने बोला भी था अगर डोनेशन देते हो तो डोनेशन एक साथ पूरा मत देना, डोनेशन हाफ हाफ देना, क्योंकि अगर आप बाई चांस एक साथ पूरा डोनेशन जो भी पैसा है डोनेशन का वो दे देते हो, जैसे 40 से 50 हजार रुपए आप दे देते हो, तो वहां पर फिर से कॉलेज के द्वारा आपके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है, फोर्स किया जाता है और भी पैसे देने को लेकर, तो इसलिए डोनेशन के पैसे पूरे एक साथ मत देना, किस्तों में देना। ठीक है, ज्यादा दिक्कत तो बोल देना कि फाइनेंशियल कंडीशन वीक है फैमिली की, तो ये सब कुछ बोल देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा दिक्कत होती है तो मुझसे संपर्क कर लेना, मैं आपको और भी गाइड कर दूंगा इस चीज से रिलेटेड। ठीक है, अब जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग का मैंने आप सभी छात्रों को बिल्कुल क्लियर कर दिया था, काउंसलिंग आपकी किसी भी हालत में नहीं होगी। अब देखो, मैंने आज जो आपके लिए कॉल किया था वो आपकी मैंने फोर्थ लिस्ट को लेकर क्लियर किया था, क्योंकि जो लास्ट वीडियो में, मतलब कि लास्ट जो मैंने कॉल किया था उस वीडियो में बिल्कुल क्लियर भी बोला गया था, वो रिकॉर्डिंग में आप लास्ट वीडियो में जाकर सुन सकते हो, पीटीटी के लास्ट वीडियो में, मतलब कि उन्होंने जो विभाग है विभाग के द्वारा बोला गया था कि जो आपकी फोर्थ लिस्ट है वो आपकी 25 से 26 तारीख को जारी हो जाएगी, लेकिन आज 26 तारीख हो चुकी है और अभी तक जो फोर्थ लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि कितना लापरवाह विभाग है, यानी जीजीटीयू को एक तरीके से मेरी नजर में एग्जाम कंडक्ट करवाना ही नहीं चाहिए था, जब इसके बस की बात है ही नहीं, तो ये तो मतलब जो सेकंड लिस्ट है उसमें थक चुकी थी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखो देखते हैं क्या इसका आउटपुट रहता है। बाकी मैं आप सभी छात्रों के समर्थन में लगातार था,
हूं और आगे भी रहूंगा और लगातार आपको अपडेट देते रहूंगा। बाकी आपकी फोर्थ फिफ्थ लिस्ट भी आपकी जारी हो सकती है। और देखो सबसे बड़ी लापरवाही एक तो वो हो गई, यानी जो डेट दी है उस दिन आपकी जो फोर्थ लिस्ट है वो जारी नहीं की। दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि अब तक आपकी जो वैकेंट लिस्ट है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई है। अब बताओ क्या ही बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए। मैं तो निःशब्द हूं इस यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर जब जेएनयू ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था उसके बाद में काउंसलिंग वगैरह करवाई थी, लगातार लिस्ट वगैरह जारी हुई थी, तो फर्स्ट लिस्ट के मतलब फर्स्ट लिस्ट में ही एक तरीके से जो कॉलेजों की जो सीट है वो अपडेट हो गई थी। उसमें वहां पर बिल्कुल क्लियर पता लग गया था कि किस कॉलेज में कितनी सीटें वहां पर खाली है। आप जैसे लिस्ट भी देख सकते हो स्क्रीन पर, ऐसे वहां पर पता लग गया था, ठीक है, हर कॉलेज का कि इस कॉलेज में इस कैटेगरी में एसटी में एससी में ओबीसी में एमबीसी में ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें खाली है, मेल कितनी खाली है, फीमेल कितनी खाली है, सब कुछ वहां पर पता लग गया था। इससे स्टूडेंट ने भी एक तरीके से अनुमान लगा लिया था कि कितनी सीटें यहां पर खाली है और कितनी क्या कुछ बच रही है, कौन सी कॉलेज में सीटें खाली है मुझे वहां पर है। अब देखो काफी स्टूडेंट क्या रहता है, अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट जैसे मान लीजिए गंगानगर का है, गंगानगर का स्टूडेंट अनुमान लगा रहा है कि मुझे जो कॉलेज मिली है, क्योंकि उसको कॉलेज जयपुर में मिली है वो चार गंगानगर में मिले, लेकिन गंगानगर में जब कॉलेजों की उनको पता ही नहीं होगा उस स्टूडेंट को कि कॉलेजों में सीट खाली है या नहीं है, तो वो कैसे अनुमान लगा पाएगा। वो तो एक गलत ही अनुमान हो जाएगा कि मुझे गंगानगर में कॉलेज मिल जाएगी। जब सीट ही खाली नहीं होगी तो वहां पर कॉलेज कैसे मिलेगी आपको, तो ये दिक्कत हो रही है। अगर ये जो वैकेंट सीट है वो भी एक तरीके से अपडेट कर दें तो काफी कुछ फायदा हो सकता है स्टूडेंट का। बाकी देखते हैं, जो भी इनके द्वारा अपडेट आएगा वो आपको मैं बताते रहूंगा, लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था, आप सभी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे थे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।